12वीं सदी के शिव मंदिर के दर्शन आप कर रहे हैं। मंदिर का नाम है गलतेश्वर महादेव। महानदी और गलती नदी के संगम पर है गलतेश्वर महादेव। गलती नदी के संगम पर होने की वजह से ही इनका नाम गलतेश्वर महादेव है। ये देखिए सीढ़ियाँ नीचे उतरकर आपको जाना पड़ता है शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। मंदिर बनावट ऐसी है कि मंदिर के ऊपर गुंबज नहीं है। अभी यह देख पा रहे हैं आपके मंदिर के ऊपर गुंबज नहीं है। ये मंदिर मध्य भारत की मालवा शैली से बनाया हुआ मंदिर है। गुजरात चौलक्य राज करते थे। भूमिजत और परमाण आर्किटेक्चर का एक बहुत बढ़िया नमूना है मंदिर, जो कि पुराणों में भी वर्णित है। मंदिर का चौरस गर्भगृह है और अष्टकोणीय मंडप है। सूर्यास्त आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर यहाँ से लगता है। और मंदिर से लग के ही नीचे एक बगीचा है। आप बच्चों को लाइए, मंदिर के दर्शन कराइए, पिकनिक स्पॉट एंजॉय करिए। और पीछे आप देख पा रहे हैं, पीछे जो महानदी और गलती नदी का संगम है, वहाँ का पानी इतना साफ है कि जैसे आप शीशे में देख रहे हैं। डाकोर गुदरा हाईवे पे खेड़ा में डाकोर के पास है ये मंदिर, सरनाल गांव में। लेकिन ये गलतेश्वर से कंफ्यूज मत होइए, ये है डाकोर ज़िले में और दूसरा एक गलतेश्वर महादेव है जो सूरत के पास में है। यहाँ पे दर्शन करने जाएं तो आप दूसरी जगहों पे भी जा सकते हैं। आप डाकोर जाइए जो कि गुजरात के चार धाम में एक है, जो कि 17 किलोमीटर है। डाकोर जाने वाले यहाँ ज़रूर जाएँ, 30 मिनट का रास्ता है। वहाँ से आप टीवा टुम्बा जा सकते हैं। वहाँ पे लगभग 20 गर्म पानी के कुंड हैं जो 26 किलोमीटर दूर है यहाँ से, यानी 40 मिनट का रास्ता है। वहाँ से फिर आप मुर्डेश्वर महादेव जा सकते हैं। वहाँ पे शिवलिंग एक चावल जितना हर साल बढ़ता है शिवरात्रि के दिन, वो 72 किलोमीटर है, लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है। ये तीनों मंदिर आप एक ही दिन में कर सकते हैं। YouTube के ऊपर 100 वीडियो हैं, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक